लाइफ इसमें शुरू नहीं हुआ है मेरे इसमें शायद नोटिफिकेशन भी नहीं आया है नेट ने ने का प्रॉब्लम है क्या वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ याइज इतने डरो मत गुड मॉर्निंग एवरी वन मच बेटर गुड मॉर्निंग एवरी वन हुज वॉचिंग मी इवन ऑनलाइन टू ऑल माई डियर वॉच स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ सी ए कोर्स और सीए कोर्स का आपका पहला कदम जो है दैट इज गोइंग टू बी सी ए फाउंडेशन आप लोगों को रेड्डी सर ने कुछ सब्जेक्ट के बारे में इस फाउंडेशन uh, कोर्स के बारे में कुछ बताया है हल्की सी झलक या कुछ नहीं पता आप लोगों को या आपको खुद को पता है क्या क्या पता है बताओ मुझे फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं कौन से कौन से चार अकाउंट्स लॉ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स मैं कौन हूं <laughs> मैं, <लो। laughs> मैं, <लो। laughs> मैं कौन हूं <laughs> आप जानते हो मैं को yes. कौन हूं मैं नाम तो सुना होगा यस अंकिता मैम और मैं क्या पढ़ाने वाली हूं आपको यस सो पेपर नंबर टू आपके सी ए फाउंडेशन के कोर्स में जो होता है उसको कहते हैं लॉ और यही जो सब्जेक्ट है लॉ का वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं और इस सब्जेक्ट के बारे में आ जाओ बेटा इस सब्जेक्ट के बारे में टीचिंग मेथोलॉजी के बारे में और एनीथिंग दैट इज वेरी जनरल इज गोइंग टू बी डिस्कस टूडे आज से ही हम लोग पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करने वाले हैं थोड़ा सा हम लोग सेटल हो जाएंगे मुझे पता है आज पहला पहला दिन है बहुत सारे सवाल आपके मन में हो एक तो नया शेर नए लोग नए टीचर्स तो ऑब्वियस ही बात है बहुत अलग टाइप की फीलिंग आप लोगों को लग रही होगी क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलकर आज आप यहां पर आए हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो ऐसे डे वन पर आई डोंट वांट टू रियली ओवरबर्डन यू विद टू मच एंड uh, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं वॉट एवर इट इज वेदर इट इज रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर मी एज योर सीनियर फ्रेंड एंड जैसे हर्षद सर ने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी दैट वी आर ऑल रियली वेरी अप्रोचेबल तो कुछ भी आपको दुख है दर्द है कुछ प्रॉब्लम है ओके okay? तो आप आ, आ सकते हो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है आप हमसे बात कर सकते हो क्लास के पहले क्लास के बाद वर्चुअल किड्स आप लोग भी बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई नंबर एंड हमारा एसपीसी प्राइम में टैब तो है ही वहां पर आप डाउट्स ऑन एंड ऑफ पूछ सकते हो सो यू नीड नॉट वरी ओके कुछ भी मन में अगर सवाल आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो हाँ सिर्फ रिक्वेस्ट ये है क्योंकि मेरा थियोरी पेपर है बहुत बार ना मैं सब्जेक्ट में घुस जाती हूं और मैं टॉपिक पढ़ाती हूं तो तब अगर पढ़ाते वक्त और कंसेप्चुअली समझाते वक्त अगर आपको कुछ डाउट आता है मैम डाउट आ रहा है बहुत जोर से आ रहा है मैम बहुत जोर से तो आप उस डाउट को उधर ही रोक लेना डोंट वरी आई यू कैन जस्ट आज द डाउट वंस द कॉन्सेप्ट इज ओवर 99% केसेस में तो आपका जो डाउट है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ डाउट फिर भी है और आपका दिमाग है ना ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना अतरंगी ऐसे कुछ भी सोच होती है तो अगर आपको लगता है ऐसा कुछ डाउट आया है यू कैन ऑलवेज आस्क मी आफ्टर आई कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ यू आर कंफर्टेबल इन द क्लास बाय रेजिंग योर हैंड बट कुछ बच्चे रहते हैं जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो ऐसे केस में इफ यू आर वन ऑफ दो शाई किड्स जैसे एज अ स्टूडेंट आई वॉज वेरी शाई और मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी तो अगर मुझे कुछ डाउट पूछने भी रहते थे मैं खुद पर्सनली अपने टीचर्स को डाउट पूछती थी इधर बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास तो अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे कैटेगरी के बच्चे हो तो फिर इट इज स्टिल ओके बट डाउट अगर आया है मेक इट श्योर यू आर गेटिंग द डाउट रिजोल्व ऑन द डे इट सेल्फ नहीं तो फिर क्या हो जाता है मन में वो चीज अटकी हुई रहती है और आपका ध्यान उधर ही रहता है देन यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स दूसरी चीज मैं आपको बोलनी थी क्लास जो है बैक टू बैक आपकी चार क्लासेस रहेगी विद टेन मिनट्स ब्रेक तो जस्ट बी ऑन टाइम फॉर एवरी क्लास ठीक है क्योंकि क्या हो जाता है ना जैसे अभी आपने देखा आ, के, आ, कोई भी बच्चा क्लास में आता है तो उस बच्चे की तो एंट्री हो जाती है और मेरी एग्जिट हो जाती है सभी बच्चों का ध्यान उधर और उसमें अगर लेट आने वाली कोई लड़की रही तो जब तक तो उसको जगह नहीं मिलती और वो बैठती नहीं ये लोग नजरे से पीछा छोड़ते नहीं तो आज आपको क्या लगता है ये पुराने बैच के बच्चे यहाँ पे क्यों आए नहीं नहीं अरे वो वही कह रहे थे मैम आपको तो हम पिछले सात महीने से देख रहे हैं ऐसे <laughs> वो मुझे कह रहे हैं देखो तो वही वो बात हो जाती है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन नॉट ओनली द गर्ल्स इवन द बॉयज ऑफकोर्स क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आप रियलाइज करोगे आप कल परसों में ही समझ जाओगे कि आई टीच इन द क्लास विद रियली यू नो नेक्स्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी तो अगर मैं सिंसियर हूँ ऑब्वियसली बात है आई वुड एक्सपेक्ट द सेम इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स आप खुद देखोगे आज तो खैर लेक्चर यूट्यूब पे चालू है ऐप पे चालू नहीं है इसलिए मैंने फोन शुरू रखा है अदरवाइज माई फोन विल बी ऑन साइलेंट एंड इट विल बी केप्ट योर I do not receive anybody's phone calls. I do not check my messages whenever I am taking the lectures. In fact, मेरे घर वालों को भी ये चीज़ पता है बहुत ही कुछ इमरजेंसी है और कुछ बोलना बहुत अर्जेंट है You cannot wait. तो स्वप्ने सर एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार कॉल करेंगे तब मैं उनका फोन रिसीव करूँगी Because now I understand कि हाँ कुछ तो भाई अर्जेंट है च नीड्स टू बी अटेंडेड एंड देर इज सम इमरजेंसी आई नीड टू पिक अप द कॉल तो अगर uh, मैं ये सिंसियरिटी बता सकती हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं आपसे भी यही चीज एक्सपेक्ट करती हूं तो जस्ट कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड अपने घर वाली को आई मीन सॉरी अपने घर वालों को बता देना कि uh, ये से ये टाइमिंग पे हमारी क्लासेस है तो उस समय पे आप लोगों ने फोन uh, या मैसेजेस नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम दैट इन द ब्रेक टाइम दिस इज माय प्रॉमिस आई एम नेवर गोना आस्क यू आप कहाँ थे किसके साथ थे क्या कर रहे थे ठीक है दैट फ्रीडम इज अप टू यू सो इफ यू आर इन क्लास बस ये क्लास में आने के बाद

शाम को स्वप्निल सर और मैं बैठ के बस उस फोन से चैटिंग भी करने वाले हैं ठीक है तो अब रिस्क इज ऑल योर्स बाद में मुझे मत बोलना मैम ब्रेकअप हो गया परेशानी हो गई आपने तो अंधेरे में तीर मार दिया अब मैं सब सुलझाते बैठ रहा हूं ये आपकी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नहीं है सो प्लीज बी ऑन टाइम And don't use the cell phones while the lectures are there. Of course, in the break time, you can chit chat, you can talk, you can watch videos, you can just entertain yourself. That's not a problem. But uh, that's just the rule during the classes. And third thing is, don't bung the lectures and give all the tests regularly. Just follow whatever I'm telling you all. Believe me, I've been teaching this subject from the last 12 years. ये मेरी जो बैच है दिस इज गोइंग टू बी द ट्वेंटी सिक्स बैच ऑफ माई करियर आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई ट्वेंटी फिफ्थ बैच आप लोगों की जो बैच है इज द ट्वेंटी सिक्स बैच ऑफ माई करियर मैंने मेरे आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों का करियर बनते हुए भी देखा है और बहुत सारे बच्चों का करियर बिगड़ते हुए भी देखा है तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई नो बच्चों का पैर किधर फिसलता है तो ऑन एंड ऑफ में आपको मोटिवेट करती रहूंगी और ऑन एंड ऑफ में आपको बताती रहूंगी क्या करना है और क्या नहीं करना है आई एम गोइंग टू गिव माई हंड्रेड परसेंट नाउ इट इज टू यू हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम मी सो so, uh, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रही हूं वैसे तो आपको इकोनॉमिक्स और लॉ का ज्यादा होमवर्क होता नहीं है बट हां हफ्ते में आपको तीन दिन छह दिन आपकी क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे संडे इज एंड ऑफ तो मंडे टू सैटरडे छह दिन में से देर आर ओनली थ्री डेज ऑन विच यू आर गोइंग टू गेट योर होमवर्क उतना बस आपसे एक्सपेक्टेड है और ये हफ्ते तो आपको होमवर्क भी नहीं मिलने वाला है ये हफ्ते तो चिल्ड ड्राइव रहेगी आपके तो होमवर्क बस आपसे करना एक्सपेक्टेड है एंड टेस्ट जो रहेगा बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी तो टेस्ट सब लोग देने वाले हैं ऑल माय फेस टू फेस किड्स फेस टू फेस एंड गुरुकुल किड्स किड्स लाइव स्ट्रीमिंग तो लाइव टेस्ट देंगे विद विद द फेस फेस टू किड्स अलोंग दैट टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड फॉर द जीडी डी एज वेल एज द पीडी किड्स तो मतलब पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव सभी बच्चों के लिए टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लासेस के दौरान ही अगर आपको समझ में आ जाए कि आपकी क्या वीकनेसेस है तो ऐसे केस में आप उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो आप सोचो क्लासेस के बाद आप टेस्ट देना चालू करते हो तब आपको समझ में आएगा वे यू आर फॉलिंग शॉर्ट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि समय तब आपके हाथ में नहीं रहेगा आज समय आपके हाथों में है तो यू नीड नॉट वरी जस्ट फॉलो वट आई एम टेलिंग यू ऑल एंड गो विद द फ्लो दैट्स इट सादा होशियारी बताने नहीं है जो बच्चे ने ज्यादा होशियारी बताई वो गिरने वाला है इतना समझ लो आप इज्जत में अपन टेंथ स्टैंडर्ड तक कैसे पढ़ते थे कभी जैसे अर्षद सर ने बताया कभी सोचा भी नहीं था कि हम फेल हो गए सोचना भी पाप था हम तो ये सोच रहे थे एट्टी प्लस या नाइन्टी प्लस या कुछ कुछ बच्चे नाइनटी फाइव प्लस ऐसी आपकी सोच थी और जब आपकी ऐसी सोच होती है आपका प्रेपरेशन भी वैसा होता है क्योंकि आपको तब एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है अंदर से आप चार्जड हो

all work and no play is eventually going to make uh, you know jack a dull boy which i don't want you all to uh, face so there is going to be fun there is going to be play but there is going to be more than that a balance between the two जो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो रहेगी कुछ डेज हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ गेम्स खेलेंगे कुछ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हमारे रहेंगे सब कुछ रहेगा बट दैट विल ओनली हैपन इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपरली एंड यू आर अचीविंग द टारगेट्स दैट ऑल द टीचर्स हैव थॉट फॉर ऑल तो फिर उसके साथ साथ हमारे कुछ कल्चरल इवेंट्स हो गए कुछ क्रिकेट के मैचेस हो गए कुछ डेज हो गए तो मजा आएगा आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जिंदगी हमारी यू you नो know, uh, झंड नहीं हो गई है सीए कोर्स करने के वजह से नहीं तो जैसे आप लोग सीएस को देखते हैं ऐसे बाल नहीं है बाल सफ जो है वो भी सफेद होने लग गए हैं चश्मा है पेट तो आप बोलो ही मत मतलब पता नहीं सातवां महीना ही चालू ऐसा लग रहा है <laughs> तो ऐसी जिंदगी आपकी नहीं होने वाली है आपने देखा होगा हमारा हमारा लाइफ कल्चर ही जो एसपीसी में है इट्स नॉट दैट कि भाई एकदम सीरियस हो जाओ यार सीरियस लोग जो होते हैं वो तो आईसीयू में होते हैं जस्ट वॉन्ट यू टू बी सिंसियर अगर आपने देखा होगा मेरे शब्द मैंने बहुत कैलकुलेटिवली यूज किए ने सीरियस आई सेट बिकम सिंसियर मैं भी सिंसियर हूं और वही मैं आपसे भी उम्मीद करती हूं कि आप भी आपके लाइफ में सिंसियर रहो सीरियस होना हम आपसे नहीं चाहते हैं सीरियस लोग तो आप हॉस्पिटल में उनसे मिल ही सकते हो सो वी जस्ट वॉन्ट यू टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू इंजॉय ये उम्र ही इंजॉय करने की है बट ये उम्र ही है करियर भी बनाने की तो हमें दोनों चीजों का सही बैलेंस लेते हुए जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तब आपको भी लगेगा कि हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं लिया है डिसीजन जो भी है वो सही डिसीजन लिया है इवेंचुअली वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी हैप्पी सो इफ यू टेकन दिस डिसीजन चाहे आपने मजबूरी में लिया है या आपने खुद से लिया है यू शुड बी हैप्पी आप अगर खुश हो तो आजू बाजू वाले लोग सारे खुश है मजबूरी में टेंशन में ऐसे ऐसे गुस्से में सब ऐसे लेक्चर्स अटेंड ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे सस्पिशियस नजर से ही देखते हैं आ गया ये बोर करेगा आ गई मैम बस अब तो डोंट डोंट डू दैट दैट्स वेरी नेगेटिव वाइब एंड वेरी टॉक्सिक एनवायरमेंट तो अब डिसाइड तो कर ही लिया है मरना ही है तो भाई जी क्या मरे वैसी वो बात है समझ रहे आप सो जस्ट गो फ्लो एंड uh, मेरे को पता है आपकी नैया पार हो जाएगी अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे और सिंसियरली अटेंटिवली हमारे लेक्चर्स जो है वो अटेंड करोगे है ना चलो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए घुम सो वर्चुअल किड्स आई होप यू ओर आर लिसनिंग टू वट एवर आई एम सेंग एंड वर्चुअल कीज्स एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए तो कि आप लाइव लेक्चर्स लाइव ही अटेंड करो बैकअप में मत करना एंड प्लीज़ अटेंड द लेक्चर्स ऑन द स्टडी टेबल और अगर आपके पास आपका अलग से स्टडी टेबल या ऐसा कुछ नहीं रहा तो फिर अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर शिद्दत से बैठ के लेक्चर्स अटेंड करना नहीं तो आप लोग जानते हो वैसे पलंग पे मस रजई लेकर ए सी वे सी चालू करके लैपटॉप यहाँ पर है आज तो यहाँ पर रहेगा धीरे 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 करके लैपटॉप नीचे 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 आते जाएगा हम भी गिरते 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 चले जाएंगे और आप गिर जाओगे और आपको लग जाएगी मतलब पलंग पे गिरकर कर आँख लग जाएगी सो डोंट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ एंड आप लोग भी अभी खैर आज तो सब दिख रहे हो एकदम नहा धो के आए हो ठीक है जस्ट मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द क्लास से तो फिर कुछ टाइम बाद कुछ हफ्ते बाद एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा भाई ठीक है यार कल तो नहाए थे ठीक <laughs> है या कुछ बच्चे अरे रात को नहा लेंगे हम रात को नहा लेंगे तुम सुबह नहा लेना फिर कुछ टाइम बाद अरे इतने अच्छे ड्यूर्स तो है एक्स परफ्यूम बस इसका कब काम आएगा यहाँ पे लगा दिया एक्स परफ्यूम तो ऐसी सब चीजें ना करना इफ यू आर टेकिंग अ बाथ एंड कमिंग इन द क्लास ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है सो जस्ट टेक अ बाथ एंड कम टू द क्लास एंड यू विल भी अटेंटिव द होल्ड है अदरवाइज यू विल फील ड्राउजी यू विल फील लाइक योर वेरी स्लीपी उस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि ना दो के क्लास अटेंड करना है वर्चुअल दिस ऑल्सो अप्लाइज टू तो यू नहीं तो बस ब्रेक का टाइम है नहा लिए ब्रेक का टाइम है वॉशरूम चले गए ऐसा मत करना इज्जत से ऐसे ही लेक्चर्स को अटेंड करना महसूस करना कि जैसे आप जो है क्लासेस ले रहे हो फिजिकली सिर्फ अपने घर पे बैठे बैठे सो नेवर थिंक अबाउट दीज क्लासेस एज वर्चुअल क्लासेज इंजॉय द क्लासेज एज इव दे आर फिजिकल क्लासेस यू उल रियली गेट द बेनिफिट इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूं पिछला जो रिजल्ट आया था ना आप लोगों ने देखा था कि पिछला रिजल्ट यू विल नॉट बिलीव सो मेनी किड्स सो मेनी मतलब 50 परसेंट रिजल्ट जो हमारा एसपीसी का आया था ठीक है 50 परसेंट ऑफ द किड्स हु स्कोर मोर देन 300 हंड्रेड वर्चुअल किड्स सोचो आप तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस टू फेस बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है फेस टू फेस बच्चों के साथ साथ इवन वर्चुअल किड्स कैन स्कोर गुड मार्क्स बट वही है यहां पे एटलीस्ट हम चारों फैकल्टीज का यू ना कंट्रोल है धाक है आप लोगों के ऊपर इन लोगों को सिंसरिटी जो है और कंट्रोल जो है खुद पे करना होगा यहां पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा कल जाके आपने अगर कोई लेक्चर नहीं देखा तो ये याद रखना बेटा इसमें नुकसान हमारा नहीं है इसमें नुकसान बस आपका है इस मेंटेलिटी को रखते हुए आपने लेक्चर्स देखना है बाकी वर्चुअली भी अच्छा रिजल्ट आना मुमकिन है पॉसिबल है सो मेनी किड्स इन द लास्ट अटेम्प्ट गॉट मोर देन थ्री हंड्रेड मार्क्स मैं आपको बताऊंगी कल परसों में रिजल्ट आपको शेयर करूंगी यू विल सी इतने बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट आया है मतलब पास तो अनगिनत बच्चे हुए आ, आपका जो रिजल्ट था फाउंडेशन का लाइक

एनीथिंग above सिक्सटी इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कोर उसमें मैं कह रही हूँ चार सौ में से तीन सौ प्लस मार्क्स इन बच्चों को मिले थे ऐसा उन लोगों ने इंजॉय किया था इस जर्नी को और अच्छा रिजल्ट भी लाया था तो यही चीज हम आप में भी देखना चाहते हैं करोगे आप लोग पक्का अच्छे से आवाज नहीं आ रही ये सुनो नो गाइज वेरी गुड चलो शुरू करते हैं। आप सब लोगों के पास एक सेपरेट नोटबुक है हमारे सब्जेक्ट के लिए मतलब चारों सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग नोटबुक्स होगी लॉ के लिए भी आपकी एक सेपरेट नोटबुक होगी टेक्स्ट बुक्स मिली आप लोगों को yeah. ठीक है कोई बात नहीं आज मिल जाएगी और प्लस स्टेशनरी आपके पास भरपूर होना चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल रिक्वायर थ्रू आउट द बैच एंड फॉर द एग्जामिनेशन अगर पॉसिबल हो यू कैन हैव अ ब्लैक बॉल पेन क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ब्लैक बॉल पेन से लिखना कंपलसरी है ओके यू कैन नॉट यूज एनी अदर कलर तो नो ब्लू पिंक इज माई फेवरेट कलर ग्रीन इज वेरी लकी फॉर मी ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है हां क्लासेस में आप यूज करो चलेगा बट फॉर द एग्जामिनेशन इट्स कंपल्सरी टू यूज अ ब्लैक बॉल पेन ब्लैक नो इंक पेन नो जेल पेन नो नथिंग ओनली अ ब्लैक बॉल पेन इज कंपल्सरी फॉर द एग्जामिनेशन तो आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे बस सब्जेक्ट का नाम लिख लो सब्जेक्ट का नाम क्या है पता है बिजनेस लॉ बिजनेस लॉ आप सब्जेक्ट का नाम लिखो आपका नाम लिखो मेरा नाम लिख दो आप और ये बुक आपकी रहेगी नाउ थ्रू आउट ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ कुछ कोर्स के बारे में मुझे बताना आईपेड कनेक्ट कर देना अमर नहीं है मैम अच्छा ठीक है जो बच्चों के पास मनीषा एंड सिद्धू जिन लोगों के पास लॉ के लिए सब्जेक्ट इनफैक्ट बाई टूमोरो ठीक है सुनो हमारे ये जो सब्जेक्ट का नाम है थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं लॉ क्या होता है एक्ट क्या होता है ये सब हम सीखेंगे डोंट वरी लॉ की सबसे स्पेशल बात यह है कि चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो कॉमर्स के हो या साइंस के हो लॉ में नॉलेज सबको जीरो है सब जीरो है दूसरे सब सब्जेक्ट्स सब में तो कोई हीरो हो सकता है जैसे अकाउंट्स है मैथमेटिक्स है इकोनॉमिक्स में भी बट लॉ के सब्जेक्ट की सबसे खास बात है यहां पे बैठा हर बच्चा चाहे उसे साइंस किया है कॉमर्स किया है या आर्ट्स किया है लॉ में तो बंदा जीरो ही है तो आप सब लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है लॉ के लिए एक ही है अब आपको यह देखना है आप कितने आगे बढ़ रहे हो स्टार्ट हम एक ही पॉइंट पे हुए हैं बाकी अब आगे आपके ऊपर है ऑफकोर्स मेरा साथ तो रहेगा बट आपका रिस्पॉन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो देखो आ, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूं कि सब्जेक्ट में क्या सारी चीजें हैं, कौन सी कौन सी एक्ट्स है और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इसका वेटेज क्या है क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आने वाले कुछ महीने आपको क्या सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाने वाली है ठीक है वापस से मुझे बताओ सब्जेक्ट का क्या नाम है बिजनेस लॉ आपका ये जो पेपर है बिजनेस लॉ का कितने मार्क्स के लिए है सो लाइक एनी अदर पेपर इवन दिस सब्जेक्ट इज फॉर हंड्रेड मार्क्स देखो आपका न्यू करिकुलम का सेकेंड बैच है और आप लोगों का अटेम्प्ट टेंटेटिवली सप्टेंबर में रहेगा तो न्यू करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस के हिसाब से आप लोगों को सी ए फाउंडेशन लॉ जो है वो रहने वाला है फॉर हंड्रेड मार्क्स अर्लियर इट वॉज ओनली फॉर सिक्सटी मार्क्स एंड फोर्टी मार्क्स वॉज बी सी आर ज इंग्लिश ओके बट राइट नाउ न्यू कोर्स के लिए आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट सौ मार्ग के लिए है बट सौ मार्क जो है उसको डिवाइड किया है कुछ हिस्सों में ऐसा नहीं है आपको एक ही एक्ट है आपको बहुत सारे एक्ट है जो आपको करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से कौन से एक्ट्स हैं आज का दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन है आप चाहो चाहे तो लिख सकते हो मैं बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगी बट पहले आप सुन लो सबसे पहला एक्ट जो है हमारा है जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एक्ट है इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप लिख सकते हो काम करो फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पेज सिर्फ ब्लैंक रखना फर्स्ट पेज आपके नोटबुक का फर्स्ट पेज ब्लैंक रखना क्योंकि वहां पे मैं आपको बाद में लिखवाने वाली हूं अगले हफ्ते कि लॉ में आंसर्स कैसे लिखते हैं तो फर्स्ट पेज ब्लैंक करो सेकंड पेज से पूरा पेज मतलब दोनों साइड ब्लैंक रखना आप ठीक है सेकेंड पेज से आ जाइए और वहां पर लिखो बिजनेस लॉ हंड्रेड मार्क्स दिस इज पेपर नंबर टू आपका पहला पेपर जो होता है ना वो अकाउंट्स होता है अकाउंट्स उसके बाद अगला पेपर कौन सा रहेगा बिजनेस लॉ लॉ का पेपर सेकंड पेपर है हाँ सो द फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू इनफैक्ट ये आपका सिलेबस का सबसे बड़ा एक्ट है अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन वाइज इतने सेक्शंस है पूरा का पूरा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू करिकुलम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना वेटेज है इस एक्ट का वेटेज तो छोड़ो वेटेज के साथ साथ कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप लोगों को जो मैं बुक्स देने वाली हूं ना ऐसी मैं दो बुक्स देने वाली हूं मेन बुक्स दो बुक्स होगी उसमें से आपकी वॉल्यूम वन ए जो है पहली वाली वॉल्यूम वो पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है पूरी की पूरी बुक इज लिटरली वन एक्ट विच इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेटेज वाइज भी इस एक्ट का जो वेटेज है इज अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी परसेंट ऑफ योर सिलेबिस इकलौता एक्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ योर सिलेबस तो अगर 50 परसेंट सिलेबस है 50 परसेंट वेटेज भी है तो ऑफ ऑफकोर्स आपकी पूरी बैच का 50 परसेंट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही जाने वाला है सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं सौ दिनों के लिए एग्जाम्पल सौ दिन सौ दिन में से हम पचास दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ने वाले हैं इट्स अ वेरी बल्की एक्ट एंड बिकॉज इट्स बल्की इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज भी ज्यादा रखा है मतलब बाकी सारी एक्ट एक तरफ है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो दूसरी तरफ है अगर इंस्टीट्यूट ने इस एक्ट को इतनी इज्जत दी है क्या हमें भी उस एक्ट को उतनी इज्जत देनी पड़ेगी अरे बोलो ना नहीं तो अपनी इज्जत तो उतर जाएगी ऐसा <laughs> ही होगा ना क्योंकि तो उसका वेटेज उसका मार्क्स ही उतरा है तो आपको उसको इज्जत देनी ही पड़ेगी ओके okay, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कुछ नहीं, यही बताया जाता है कि हु कैन एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेन कैन दे एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कितने लोग लगते हैं ओके okay. किसके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की अगर किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है और बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया ब्रीच कर दिया तो क्या आपके पास कोई रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट दैट पार्टी देट ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कब देते हैं ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आप लोगों के लिए तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी एड किए इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी सब कुछ एंड टू एंड आपको बताया जाने वाला है और सिखाया जाने वाला है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सो द फर्स्ट एक्ट दैट यू आर लर्निंग इज एक्ट बोलो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेटेज वाइज भी 50 परसेंट वेटेज है और कंटेंट वाइज भी इस एक्ट का जो कंटेंट है इज फिफ्टी ऑफ योर सिलेबस सो दिस इज द फर्स्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द सेकेंड एक्ट दैट यूल आर गोइंग टू लर्न इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओके सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी जैसे नाम में लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट कोई भी गुड्स का अगर सेल हो रहा है कौन सेलर है कौन बायर है सेलर के क्या राइट्स बायर के क्या राइट्स सेलर की क्या ड्यूटीज बायर की क्या ड्यूटीज ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. तीसरी जो एक्ट है आप लोग जानते हो इट्स द पार्टनरशिप एक्ट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन अकाउंट्स में आप लोगों का हुआ होगा जिन्होंने कॉमर्स किया था नहीं क्या हुआ है ना कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होगी ना अच्छा ये पता है आपको ग्रेट 1932 में ये एक्ट बना है ठीक है सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सो बिजनेस अगर आप करना चाहते हो यू कैन डू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप देखो गए ना सबका ध्यान <laughs> क्या कहा था हमने इधर आ जाओ बेटा इधर जगह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ बेटा अंदर जगह बना लो

क्या पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या पार्टनर्स ड्राइंग के लिए एंटाइटल्ड है ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द फोर्थ एक्ट दैट यू हैव इन योर सिलेबस इज द कंपनीज एक्ट टू सो कंपनीज एक्ट 2013 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को बहुत कम सेक्शन है ऑलमोस्ट बीस पच्चीस सेक्शन ही है जो इंस्टीट्यूट ने दिए है बाकी सारी चीजें कंपनीज एक्ट की आपको इंटर और फाइनल में पढ़ाई जाने वाली है तो ये एक एक्ट ऐसा है जो आपके सीए कोर्स के तीनों स्टेजेस में पढ़ाया जाने वाला है फाउंडेशन इंटर एज वेल एज सीए फाइनल मतलब आप समझ सकते हो कितना कितना बल्कि एक्ट होगा ये पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है 470 कितने 470 सेक्शंस ये पूरा एक्ट तो इंस्टीट्यूट ने तो हल्की सी झलक आपको सीए फाउंडेशन में देने की कोशिश की है 20-25 बेसिक सेक्शंस है जो आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं इन द कंपनीज एक्ट 2013 रिसेंटली कुछ समय पहले ही आप लोग जानते होंगे पार्टनरशिप और कंपनीज को कंबाइन करके हां हमने एक नई एंटिटी बनाई जिसमें पार्टनरशिप के भी एडवांटेज और कंपनीज के भी एडवांटेज डाल दिए पार्टनरशिप में आप लोग जानते हो देखो अगर आप नहीं भी जानते हो इज ओके दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन एक्ट तो हम लोग पूरा पढ़ने वाले पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड और कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस उसका परपेक्चुअल सक्सेशन होता है परपेक्चुअल सक्सेशन मतलब क्या मतलब मेंबर्स आए गए जाएंगे बट कंपनी जैसी है वैसी कि वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक युगो युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलते रहता है आप देखो बरा बरा। ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय धीरू भाई अंबानी बराबर धीरू भाई अंबानी ने तब मतलब पचास साल से भी ज्यादा हो गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी कर लिया कंपनी को बड़ा भी बना दिया वो आए भी और वो चले भी गए वो चले भी गए वो चले भी गए बट आज भी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज है है या नहीं है आज उनको कौन चला रहा है मोटा भाई कौन चला रहा है मुकेश अंबानी अरे हाँ या ना मोटा भाई चला रहे इस कंपनी को मतलब धीरू भाई तो आए धीरू भाई चले भी गए बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी कुछ टाइम बाद हो सकता है मुकेश अंबानी भी रिटायर हो जाए और वो अपना गद्दा जो है मतलब अपनी कुर्सी जो है मे बी अनंत या ईशा अंबानी या आकाश अंबानी को दे दे अरे बोलो ना जैसे नारायण मूर्ति ही इज नो मोर टेकिंग द लीड ऑफ इन्फोसिस सुना है आपने उनके बारे में बट उन्होंने तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी ना आज वो है मतलब ऐसा नहीं वो चले गए बहुत ऊपर वो है बट कंपनी के तो वो मैनेजर नहीं है ना बट कंपनी क्या अभी भी है मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे डायरेक्टर्स भी आएंगे डायरेक्टर्स भी जाएंगे बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट ये पार्टनरशिप में नहीं मिलता है पार्टनरशिप में तो दो पार्टनर है एक की डेथ हो गई दूसरे पार्टनर को तो फर्म डिसॉल्व करना ही पड़ेगा तो ये दोनों भी एंटिटीज़ के हमने एडवांटेजेस उठाए और एक नया एंटिटी बनाया 2008 में विच इज नोन एज द एलएलपी। और यही एलएलपी को गवर्न करता है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तो फिफ्थ एक्ट दैट यू आर गोइंग टू लर्न इज द लिमिटेड इबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट टू थाउजेंड एंड एट और एक लास्ट एक्ट है जो आप करने वाले हो एंड दैट इज द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन लिख लो फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एटीन एटी वन तीन ही नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स है अ बिल ऑफ एक्सचेंज अ प्रोमिस नोट एंड अ चेक कौन पार्टीज है इनके आ, इन इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चेक को अगर इश्यू किया और चेक डिसऑनर हो गया तो क्या एक्शन हम ले सकते हैं ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया है इन द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये एक्ट भी आपको पूरी की पूरी नहीं है ये एक्ट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वही सारे प्रोविजन जो है वो आपको पढ़ाए जाने वाले ऐसे करके देर आर टोटल सिक्स एक्ट्स दैट व सपोज टू स्टडी एक है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो तो हम कल और परसों में कंप्लीट कर देंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है लॉ क्या होता है एक्ट क्या होता है लॉ मतलब लॉ में क्या सारी चीजें कवर्ड है एक्ट में क्या सारी चीजें कवर्ड है ये सारी चीजों के बारे में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बताया गया है जो हम पढ़े आने वाले एक दो दिनों में दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है अब देखो मैंने जैसा आपको बताया था जहाँ तक वेटेज की बात है वेटेज की सबसे ज्यादा वेटेज जो है इज गोइंग टू बी ऑफ यस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं ये मार्क्स हंड्रेड है ना उसके बाद यहां पे किसी के पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर दो दो तो, वैसे तो पहला जो कोर्स है वाह नहीं नहीं कैलकुलेटर्स है का उद्घाटन मैं ही कर रही <laughs> आपका पेपर भले ही हंड्रेड मार्क्स का है बट आपको पता है आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन के लिए आने वाला है तो अगर हम देखते हैं विद द ऑप्शन आपका सौ मार्क्स का पेपर अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड सिक्सटीन मार्क्स का बन जाता है ओके okay, जिसमें से एक यहां पे मैं ये भी लिख लेती हूं नहीं तो फिर बाद में आप रोगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लिख लो इंडियन इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ भी सकती है नहीं भी पूछ सकती है मतलब उसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने खुद ने कहा जीरो टू फाइव परसेंट जीरो टू फाइव परसेंट मतलब पूछा तो पूछा नहीं तो नहीं पूछा बहुत बेसिक चीज है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तीन एक्स है जिसका वेटेज सेम है आपको पता है कौन से कौन सी तीन एक्ट एक तो है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ साथ हमारा कंपनीज एक्ट जो है ये तीनों भी एक्ट का वेटेज जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली द सेम आप समझ लो ये मैं जो वेटेज बोल रही हूँ ना दिस इज मिनिमम वेटेज हाँ मिनिमम इससे ज्यादा भी जा सकता है सबसे पहला मिनिमम वेटेज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सिमेटली आप समझ लो मिनिमम वेटेज विथ ऑप्शन इट कुड बी मोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25 टू 30 मार्क्स का मिनिमम रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस हमारा पार्टनरशिप प्लस हमारा Companies act joy approximately, it's going to be for fifteen to twenty marks, fifteen to twenty marks, fifteen to twenty marks. LLP is going to be five marks. एक ही क्वेश्चन एलएलपी एक्ट में से पूछा जाता है एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज गोइंग टू बी टेन टू फिफ्टीन मार्क्स और इंडियन रेगुलेटरी के ऊपर तो पूछा तो पूछा नहीं तो फिर नहीं पूछा जीरो टू फाइव मार्क्स अब एग्जैक्ट वेटेज कितना होता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी तक न्यू कोर्स का एक भी पेपर हुआ नहीं है फर्स्ट पेपर ऑफ द न्यू कोर्स इज गोइंग टू बी इन जून 2024 अभी हम लोग कौन से महीने में है अप्रैल तो अभी आपको जून तक रुकना पड़ेगा जून के लास्ट वीक में लॉ का पेपर है जैसे ही लॉ का पेपर होएगा ना उसी दिन या तो अगर लॉ का पेपर दो से पांच हुआ है अगले दिन क्योंकि उस दिन तो मेरी क्लास हो चुकी होगी अगले दिन मैं आपको ताजा ताज़ा एकदम गर्मा गर्म खबर दोगी कौन से एक्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स का सवाल पूछा है टेंटेटिवली उतना ही एक दो मार्क ऊपर नीचे आप लोगों के लिए भी रहेगा तो हो सकता है ये नंबर्स जो है ये चेंज हो गए ओके ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि अभी तक तो इंस्टीट्यूट को खुद को भी नहीं पता है कि उसको कैसा पेपर बनाना है क्योंकि अटेम्प्ट को अभी तो ढाई महीना है ढाई महीना है बीस जून से उनका पेपर चालू हो रहा है तो इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स ने अभी तक पेपर के बारे में सोचा भी नहीं होगा तो जब वो सोचेंगे पेपर होगा तब हमको समझ में आ जाएगा फॉर्चुनेटली आप लोग सेकेंड बैच के बच्चे हो सो थैंक यू पेरेंट्स आप एकदम सही समय पर पैदा हुए हो <laughs> ना पहले ना बाद में क्योंकि इसके पहले वाले बैच जो है बहुत ही रो रही है और अब आप अगर बहुत बाद में भी ये होते तो बहुत दिक्कत होती बिकॉज इंस्टीट्यूट इज गेटिंग एंड सेटिंग इट स्टैंडर्ड हायर एंड हायर एंड हायर सो एकदम सही समय पे आप पैदा हुए, आज जाके मम्मी पापा को जरूर थैंक यू का मैसेज डालना ठीक <laughs> है जिस जोकिंग में तो कोई डाल देगा मेरी बैंड बजेगी कि के तुम पढ़ने जा रहे हो या क्या वही याद बातें करने जा रहे हो तुम, सो इट्स अ गुड थिंग आर लकी दैट Uh, आपका एटलीस्ट फर्स्ट वाला ये तो नहीं है पेपर तो नहीं है बिकॉज फर्स्ट पेपर जब होता है ना बच्चों के मन में तो डर रहता है बच्चों के साथ साथ टीचर के मन में भी बहुत डर रहता है क्योंकि यू नेवर नो इंस्टीट्यूट आजकल इतने सारे शॉक्स दे रहा है आप लोगों को कुछ पता नहीं है अभी आप इस सिर्फ कोर्स में आए हो एकदम धीरे से झटका दे के जोर का लग जाएगा आपको वैसी वो बात है आईसीआई की तो फॉर्चुनेटली फॉर यॉल थिंग्स विल नॉट बी लाइक दैट बिकॉज तब तक ऑलरेडी टेंटेटिवली तो समझ में आ ही जाएगा कौन से एक्ट का कितना वेटेज है और किस तरह से इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रहे क्योंकि लॉ की जहां तक बात है ना कुछ क्वेश्चन थियोरी होते हैं और कुछ क्वेश्चन केस स्टडी होते हैं तो कितना थियोरी कितना केस स्टडी वी विल ऑल कम टू नो ओनली आफ्टर द फर्स्ट पेपर इज डन है ना तो uh, आज के लिए तो ज्यादा अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी बिकॉज इज अ फर्स्ट डे और आपकी फिर अभी वापस ग्यारह बजे दूसरी हर्षद सर की इकोनॉमिक्स की क्लास भी है तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे है ना थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टुमारो बुक्स का क्या सीन है कोई है यहाँ पे अमर बुक्स मिलेगी बच्चों को आज पूछो ना एक बार देखो मैं आपको सिर्फ बुक्स के बारे में बता देती हूँ ऐसी आपको दो बुक्स मिलेगी दीज आर द मेन बुक्स ये वॉल्यूम वन है ये वाली वॉल्यूम वन बी है इसमें आपका पूरा का पूरा कंटेंट है ऑल माई बुक्स आर कलर बुक्स ओके okay, सो so, वो मैगजीन टाइप पेपर है और क्योंकि वो मैगजीन टाइप पेपर है मैं चाहती हूँ आपके पास वो परमानेंट मार्कर्स आप रखना अपने पास पता है आपको परमानेंट मार्कर्स किसी के पास है यहां पे एंड ऑल्सो गेट स्टिकी नोट स्टिकी नोट्स है किसी के पास बताओ ना मेरे को यस hmm. यस yes, yes. मिल गया मिल गया मिल गया तो देखो इवन द बॉयज हा ऐसा नहीं है स्टेशनरी लाने का काम लड़कियों का है आपने भी रखना है आप बोलोगे मैम एक पेन मिल जाए हमारे पास वही बड़ी बात है ऐसा मत करना यहाँ पर वो भी ऐसे मत करना प्लीज़ ये स्टिकी नोट्स है ये साइज़ की आती है और इससे बड़ी भी एक साइज आती है दोनों भी स्टिक नोट्स लेके आ जाना और ये मार्कर पेन से बिकॉज दिस मटेरियल ऑफ द बुक्स इज ग्लॉसी मटेरियल मैगजीन का जैसा मटेरियल रहता है ना इसमें आप नॉर्मल पेन से लिखोगे ना तो स्मज हो जाएगा और पेंसिल से तो लिख ही नहीं पाओगे मिट जाएगा कुछ टाइम बाद वैसे ही आप लोगों का गजनी इफेक्ट है ठीक है और टैटू टैटूस बना नहीं सकते कि सुबह उठा और मिरर में देखा आ, याद आ गया वो अलाउड नहीं वो तो चीटिंग माना जाएगा तो इज्जत से आपको सब कुछ लिखना रहेगा जिसके लिए मेरे को लगेगा ये मार्कअप एन और ये स्टिक नोट्स ये मेन बुक्स के ऐसे दो सेट्स रहेगी वॉल्यूम वन है वॉल्यूम वन भी उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक अरे बहुत प्यारी बनाई है मैंने क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है All the past ten papers, along with module के questions को मैंने cover किया अपने बुक में। मैंने किया में पहले पे पे लिखा है है कि ये का वेटेज कितना था। ये ये का कितना वाला जो वेटेज है ना ये exams अगर आप देखोगे लॉ कितने मार्क्स का था 60 उसका वेटेज है क्योंकि नए का तो मेरे पास आया ही नहीं डेटा ही नहीं आया वो तो जून में आएगा ना तो ये डेटा पिछले लास्ट टेन पेपर्स का है न्यू कोस्ट के हिसाब से नहीं ओल्ड कोस्ट का तो तब बाईस मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता था आउट ऑफ मार्क्स में से उसका वेटेज कितना था बाइस मार्क्स सौ में से क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका कंटेंट बड़ा है इंडियमिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी एड हुआ है तो इसका वेटेज तीस मिनिमम होगा चालीस तक जाएगा ठीक है और वहां पे मैंने क्यूआर दिए क्यूआर कोड्स आपको दिख रहा है यहां पे क्यूआर कोड है कल जाके ये एक्ट कंप्लीट हो गया आपको रिवाइज करना है ये क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे आपको डायरेक्टली मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिटेल्ड रिविजन लेक्चर का एक्सेस मिलेगा ओके okay, और क्वेश्चन uh, के आंसर्स भी जैसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है वैसे ही मैंने आंसर्स बनाए हर क्वेश्चन के उधर मैंने लिखा है जैसे कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है फिर और कोई पेज पे आ जाओ जैसे कि uh, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये क्वेश्चन कौन से कौन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन, से में? ने कौन से सवाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है सो so, आप क्लास के बाद एकदम कॉन्फिडेंस बोल सकते हो मेरे दस पेपर सॉल्व हो गए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जो है वो सॉल्व हो गई है और प्लस वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन क्योंकि इतनी वॉल्यूम वन वान ए वन बी को आप पढ़ नहीं पाओगे अकाउंट्स के पेपर के बाद और लॉ के पेपर के पहले मैंने ये चार्ट बुक बनाई है जहां पे मैंने क्रिस्प में सारा कंटेंट कवर किया है कुछ शॉर्टकट नहीं किया कि मैंने कुछ टॉपिक्स को मिस कर दिया सब कुछ कवर किया है बट इन शॉर्ट बेसिकली दीज आर लाइक द समरी नोट्स विच विल बी हेल्पफुल टू यू वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन ऐसे करके आपको तीन बुक्स का सेट जिसमें चार बुक्स है क्योंकि वन के दो हिस्से हैं वन एंड वन बी चार बुक्स आपको टोटली मिलेगी उसका एडिशन होगा एडिशन नंबर इलेवन अगर आपको एडिशन टेन मिलता है डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज दैट इज द ओल्ड बुक आपके लिए क्या एडिशन होगा एडिशन इलेवन इज द एडिशन फॉर द न्यू बुक्स सब कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है वो इन बुक्स में से ही पूछा जाने वाला है क्यों क्योंकि बुक्स मेरी है इसीलिए नहीं बेटा क्योंकि ये बुक्स जो हमने बनाई है ये बनाई है अकॉर्डिंग टू दी आईसीआई स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने इन बुक्स को डिजाइन किया है और उसी को बेस रखते हुए इन बुक्स को बनाया है इसलिए इन बुक्स से परे कुछ भी नहीं आने वाला है जो भी आएगा इसी बुक्स में से पूछा जाने वाला है ओके okay? तो आपको इसके अलावा ना मॉड्यूल रिफर करने की जरूरत है ना कोई रेफरेंस बुक्स रिफर करने की जरूरत है ये कर लिया दैट्स इनफ बस लेक्चर्स अटेंड करो होमवर्क कर लो यू विल बी डन फॉर द पेपर्स है ना एग्जाम रेडी हम आपको बनाएंगे अच्छे बच्चे हो ना आप लोग yeah. अच्छे से पढ़ोगे ना क्लियर yeah. होना है ना वेरी गुड चलो सो थैंक यू सो मच आई विल सी यू ऑल टुमारो बाय 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 वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग ब्रेक ले सकते हो बाहर जा सकते हो चिल कर सकते हो चलो बाय बाय गाइस आप लोग बाहर जाके चाय कॉफी ले सकते हो या अगर भूख लग रही तो कुछ खा लो क्योंकि आपका अकाउंट्स का भी लेक्चर रहेगा फिर लंच ब्रेक है ना आप लोगों की तो अगर आपको भूख लग रही तो कुछ खा लो नहीं तो मन नहीं लगेगा आप लोगों का यहाँ पे बाहर बहुत सारे कैंटीन है बहुत सारे चाय और कॉफी के स्टॉल्स है जस्ट गो एंड सुनो ना सबके लिए सब लोग नए नए लोग है जस्ट हेल्प आउट अदर्स बी बी वेरी काइंड एंड जेंडरस एंड uh, जितने आप दर्द में हो बाजू वाला भी उतने ही दर्द में है तो ऐसे समय पे प्लीज उसकी मदद कीजिए एंड ऐसी तो दोस्ती यारी बनेगी यार मतलब ऑन गाइस यार अभी आपको आपको सीखना पड़ेगा ये सब अभी और मैं क्या बोलूं आप लोगों को सीखना पड़ेगा बेटा अभी ये दुनिया का दस्तूर है हर जगह पे तो आप आपके मम्मी पापा के पीछे 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 नहीं कर सकते हो बहुत सारी चीजें जब आपको अब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा यू लेव टू ग्रो अप यू लेव टू बिकम मेच्योर तो अब जहां मम्मी पापा नहीं है वहां दोस्ती तो काम आने वाला है तो अब आप समझना यही आपका एक्सटेंडेड फैमिली है यही आपका परिवार है तो अब आपको परिवार के साथ अच्छे से सा रहना होगा उनकी केयर करनी पड़ेगी वो आपकी केयर करेंगे पूछो बात करो तो अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा उन लोगों को भी अच्छा लगेगा है ना चलो थैंक यू सो मच एंड आई एम देयर आई एम योर द होल डे ऑल फैकल्टीज आर जस्ट प्लेइंग म्यूजिकल चेयर कभी ये क्लास अभी सवा ग्यारह बजे मेरी सामने वाली इंटर की क्लास रहेगी तब आप मुझे उधर देख सकते हो फिर इवनिंग में हाँ मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो गया आ जा तू उधर है सो इफ यू फील यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज जस्ट कम टू अस एंड टॉक टू अस मन में मन में मत दबा के रखना और ऐसे हावले जैसे मत बिहेव करना ठीक है जस्ट टॉक वी आर देयर फॉर यू थैंक यू सो मच